कोरोना महामारी के दौरान सीबीएसई परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने परीक्षाओं को रद्द नहीं किया है। हमीरपुर में एसटूडी ने अभिभावकों और छात्रों से जानी उनकी राय। अभिभावक अजय सिंह का कहना है कि सीबीएसई की तरह ही हिमाचल में भी बोर्ड की परीक्षाएं रद्द की जानी चाहिए और आगामी 2 महीनों के बाद परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए, क्योंकि कोविड अभी ज्यादा बढ़ रहा है। इसको 2 महीने के लिए एक्सटेंड कर दें और जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो उस पीछे रह जाएगा और आगे उसको फ्यूचर में ज्यादा दिक्कत आएगी, तो इसको ना चाहते हुए 2 महीने के लिए आगे बढ़ाया जाए ताकि बच्चे का जो भविष्य है, जो उसकी पढ़ाई है, वो ठीक तरीके से आगे हो पाए। वहीं अभिभावक राजेश सिंह और नीलाक्ष का कहना है कि परीक्षाएं होनी चाहिए और सरकार को ऐसा करना चाहिए कि कोविड थमने के बाद परीक्षाएं करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को थोड़ा समय लेना चाहिए और परीक्षाएं अवश्य करवानी चाहिए। एग्जाम तो होना चाहिए, चाहे किसी भी क्लास का है, बिना एग्जाम के बच्चे का जो रिजल्ट है और बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो ही वापस आता है। और सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ये आज काल और लारे वाला काम नहीं होना चाहिए, इसे इनको एक टाइम दे देना चाहिए फिक्स कितने दिन में परीक्षा होगी। नीलाक्षी क्या कहेंगे, सीबीएसई ने तो एग्जाम रद्द कर दी, हिमाचल अभी सोच रहा है। हिमाचल प्रदेश की सरकार को अभी थोड़ा समय और लेना चाहिए और थोड़े टाइम के बाद बच्चों के एग्जाम करने चाहिए। अगर बच्चों के एग्जाम नहीं करेंगे तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनका कॉन्फिडेंस वीक हो जाएगा और वो भी सोचेंगे फिर आगे करें नहीं करें, ऐसी स्थितियों से उभरना पड़ेगा, उन्हें मानसिक तौर पर परेशान होने हो सकते हैं बच्चे। इसलिए ऐसा है कि एग्जाम होने चाहिए, खासकर बोर्ड एग्जाम्स तो होने ही चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगा। वहीं अनुज का कहना है कि सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, तो हिमाचल सरकार को भी जल्द 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लेना चाहिए। पेपर कैंसिल कर दिए हैं, हिमाचल बोर्ड के लिए क्या चाहेंगे आप? क्योंकि बाकी स्टेट ने भी सीबीएसई को देख के अपने जो 12वीं के एग्ज़ाम हैं वो भी कैंसिल कर दिए हैं, तो एचपी बोर्ड को भी ये फैसला लेना चाहिए कि वो भी 12वीं के एग्ज़ाम जो हैं वो स्थगित कर दें, क्योंकि कोरोना काल में जो पढ़ाई का असर बच्चों पर पड़ा ही है, तो इस करके जो उनको प्रमोट किया जाए। छात्रा अंजलि का कहना है कि कोविड काफी बढ़ गया है, इसलिए पेपर नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द इस बारे में निर्णय लेना चाहिए। अंजलि शर्मा। अंजलि जी, सीबीएसई ने तो बंद कर दिया एग्जाम, हिमाचल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? पेपर नहीं लेने चाहिए क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए बच्चों को स्कूल आने पड़ेगा, तो इसलिए तो अच्छा रद्द कर देना चाहिए। वहीं अभिभावक बांकू सिंह का कहना है कि जब सीबीएसई के द्वारा अपनी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, तो हिमाचल बोर्ड को भी जल्द इस बारे में फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को भी कैबिनेट की बैठक में जल्द ये निर्णय लेना चाहिए। हमारी जो गवर्नमेंट है, हिमाचल प्रदेश सरकार जो है, उसको इसके बारे में कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हर एक चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि इस टाइम क्या सिस्टम चला हुआ है, लेकिन सरकार हर चीज़ को समझ पा रही है, उस हिसाब से उनको प्रॉपरली एक निर्णय लेना चाहिए, जैसे कि सीबीएसई सरकार ने लिया है। या तो बच्चों की डेट, जो पेपर की डेट्स हैं वो थोड़ी एक्सटेंड कर दी जाए ताकि वो भी अपने दिमाग को एक शांत रख सके और अगले पेपरों की तैयारी प्रॉपरली कर सके। जो 5 जून को कैबिनेट मीटिंग हो रही है, उसमें भी इस बात को, इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए और बच्चों के प्रति समझा जाए कि बच्चे कैसे स्ट्रेस के दौर से इस वक्त गुजर रहे हैं। इस चीज से अभिभावक भी परेशान हैं और बच्चे भी परेशान हैं। सरकार को इसके बारे में कोई ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है। इस दौर में कोरोना काल है, तो इसमें बच्चों को और अभिभावकों को पढ़ाई के प्रति, जो उनके पेपर हैं उनके प्रति अभी बहुत चिंता है और चिंताग्रस्त, सभी लोग चिंताग्रस्त हो गए हैं। सभी से मैं तो निवेदन करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो इसके प्रति एक ठोस निर्णय लें और सभी को आश्वस्त करें। धन्यवाद।